बीते मंगलवार को ही घटना ने जनपद फिरोजाबाद में सनसनी फैला दी थी। इस जघन्य अपराध की गूंज राजनीतिक गलियारों और मुख्यमंत्री तक पहुंची थी। आरोपी युवक की जल्द से जल्द गिरफ्तारी का पुलिस पर काफी दबाव था। मामला था ज्वेलर्स की दुकान में बैठे व्यापारी को जिंदा जलाने का। जी हां, बीते मंगलवार को थाना उत्तर क्षेत्र के किसनापाड़ा सर्राफा चौक पर दोपहर को दक्षिण क्षेत्र के बस स्टैंड गली नंबर 2 में राकेश वर्मा अपनी ज्वेलर्स की दुकान पर बैठा हुआ था, जिसके ऊपर थिनर डालकर उसके मौसेरे भाई ने जला दिया। जलते हुए व्यापारी का दुकान से बाहर आते हुए वीडियो शहर में वायरल हो गया। इस घटना से बाजार में दहशत फैल गई। वहीं आग लगाने के बाद युवक फरार हो गया। गंभीर हालत में व्यापारी को इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन वो 90% तक जल चुका था, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। इसके बाद पुलिस के ऊपर आरोपी युवक को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का काफी दबाव था। पुलिस मृतक के मौसेरे भाई के पीछे पड़ी थी। आज दोपहर को पुलिस को सफलता मिली और पुलिस ने हत्यारे को पकड़ लिया। जब उससे पूछताछ की गई कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मृतक ने उसे परेशान कर रखा था और उसकी बहुत बेइज्जती हो चुकी थी। मेरी बात को इसलिए गौर कर लो, तो भी मेरी बेटियों का क्या होगा? अरे पीछे हट यार, बेटियां मेरी और मेरी बेटी, मुझको कहाँ कहीं में परेशान किया गया और मुझको जेल हो जाए तो हो जाए, मुझको कोई व्यवस्था नहीं है। कहाँ कहीं में मुझको नाजायज परेशान किया गया, मगर मेरे घर वाले एक भी गलत नहीं है, सब सही है, कोई भी वैसा नहीं है। अच्छा, कल उसमें आग लगी थी, तो उसको पीछे भागे थे क्या? किसके पीछे? मैं किसी के पीछे नहीं भागा। तुम थे ना मौके पर वहाँ पे? मैं था, मुझको मौके पर थे, मौके पर था, मैंने यही काम किया। जब उसमें आग लगी थी, तो पीछे भागे थे ना? आज नहीं गए थे ना वीडियो में? पीछे नहीं भागा। वहीं इस घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी सचेंद्र पटेल ने जानकारी दी। में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रॉबिन वर्मा नाम के आरोपी को अभी अभी गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी एसपी ग्रामीण सर मौके पर पहुंचे हैं। सर, किस तरह का पूरा रात से अब तक कवायद पुलिस ने की और क्या उसका इनपुट देखने को मिल रहा है? देखिए, ये थाना उत्तर की एक घटना जो कल हुई थी, बहुत ही गंभीर घटना थी और उसको पूरे जो है गंभीरता से शीघ्र गिरफ्तारी के लिए 4 टीमों का गठन किया गया था। रात्रि में भी इसमें संख्या में बढ़ोतरी की गई टीमों की और रात भर हमारा इसमें अभियान चला है, जिसके बाद पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है और इस अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया है। बाकी इससे हम लोग विस्तृत पूछताछ कर रहे हैं अभी और अन्य कोई तथ्य अगर निकल गया तो उससे आपका अवगत कराएंगे। सर, परिवार के लोगों किस तरह की प्रोटेक्शन और तमाम जो सहयोग होता है पुलिस की तरफ से किस तरह का दिया गया? परिवार, जो पीड़ित परिवार है, उसके संपर्क में हम लोग कल से ही हैं और पीड़ित परिवार की जो भी इसमें बात होगी उसको हम लोग विचार करेंगे और पूरे जो व्यापारी वर्ग है उनकी सुरक्षा और उनकी सही तरीके से उनका काम है, इसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं, तो जो भी वो कहेंगे उसमें हम लोग विचार करेंगे। धन्यवाद। तो